मैं इंगड़ा तो उंगड़का जानू को नहीं पण है वीर बोले अभी दूर जाऊं दाता इंद्र राजा बो दूतर है होड़िया में चंग बड़ी जे और नाराड़ी खाल और चंग बाजे नी हिंदू जुड़ी खाल और उतरिया करे मेरे में या ये नहीं आप कृष्ण राम जी दौड़ को वीर वो उतरी चंग अमर के बोलू के नहीं बोलू माम लोग गड़बड़ है पर वही जी दो टापला पैका दो साल के बाद में रुड़ियार तांडव करती कोरोना जद ई बिन खापने में आई तो तांडव मचा दियो और उरे बाद में इन मेले मेलो मेलो लागनो बंद हो गयो दो साल तक आपा भेड़ा नहीं हुआ श्रद्धालु मन में एक दी सी गुरु महाराज चरणा में शीश नवाबा आज बड़ो सौभाग्य विषय है आज ढलते दिन री इन गुरु महाराज जी रे आसन री या माते बनियोड़ो पवित्र मंदिर नवनिर्मित मंदिर अरुण री छाए रे में छाव में बैठ और आपा धर्म चर्चा करा धर्म के बारे में विचार करा आज उन शख्सियत रो नाम बहुत कम आयो जबकि शख्सियत 48-40 साल तक बैठन इन मेले रो नेतृत्व कियो और मंदिर निर्माण रो नेतृत्व कियो एड़ा हीरा राम जी भगवान ने नमन करूं आज विश्वास सीमान रो ठीक नहीं है पर ओ जो को अठहरी जांबोड़ा धाम सभा निर्णय लियो है पारे जीवन रे में इन इन मंदिर रो लोकार्पण हो जाए कल स्थापना हो जाए इन मोटी कोई बात नहीं हो सके मैं आप सब ने नमन करूं और उन दिन घनी संख्या में चाहे आखा तीज है कुछ भी है सब छोड़ ही मोटी मोटो कोई धाम नहीं है आप सारा ने नेमत्रो दा आप पधार जो मुकाम पे आपकी तथा यूसुफ स्वामी रामानंद जी रे श्री चरण में वंदन करता थका आपके उपदेश उपदेशा हूं समाज संचालित हुए आप रो आशीर्वाद हमेशा बनो रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब 2008 वाली बात मैं तो कदे चिंता रही नहीं मारा तो मैं कदे भी कोई भी की तित मारी बामणी को पाचे नहीं लाल लिखे पाचा आप अगली बात करा समाज रे वास्ते अगलो आप बात करा आप इन चीज ने मन में एक तरह को वो रखियो मैं आप रे नमन करूं कि आप चीज नहीं चीज ने मन चू कह दी बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है कहना बहुत दूर है आदरणीय कृष्ण राम जी साहब बात मूर्ति स्थापना की और मेला परिसर नहीं है चाहे भोले में कह दो चाहे हमजनाई में कह दो आज मैंने संसार में नहीं है स्वर्गीय माला राम जी सदा भाव राम सिंह जी साहब जी मूर्ति अठलार रख दी एक तरह की टीस है हमारे आप सब लोग आ रहे आप मूर्ति ने अगर पाछी अठे रवाना करा तो भी कोई अपनो को जीणो धूड़ है जमा रो ठीक नहीं है किने उचित स्थान माते वे संत समाज है वे भी इन्हें स्वीकार करे और समाज भी स्वीकार करे पर आई मूर्ति रो स्थापना रो जो को निर्णय लियो है उचित स्थान दे और परिसर ने छोड़ और कठी हो जावे तो निश्चित तौर हूँ वे जगह मालाराम की जगह ले रहा वे आपने जीवन वो काम नहीं कर पाया किस तरह रही तो होगी मैं आप सब निवेदन करूं कि इन बात ने विवाद में नहीं डाल और किन तरह संत समाज रो आशीर्वाद दे और पूरे समाज रो आशीर्वाद दे किन जगह उचित हुए इनको करनो चाहिए और हमारा विशेष निवेदन है हीरा राम जी अठहरा बहुत मान्यता मिनक है महासभा अध्यक्ष भी रहा है और इन महासभा में जम्बा सभा में 40 साल उन्हें देखूं जद उन्हें टाबर हो और आउट हो जद उन्हें इन बात ने संभालता ठीक है दिन दिन लाइए भाई पेड़ ही खोख लो वे कोई शरीर में ही फर्क पड़े है तो बूढ़ा पो है भाई पर बारे मान और सम्मान में आने वाले टाइम में कोई इन मंदिर जो जो प्राण अपने लोकार्पण है उनमें कोई तरह रो फर्क और कमी नहीं रखने और अपने सारो धर्म पड़े जिन आदमी भी
इन पवित्र धरा रे माते जन प्रतिनिधि जो एमएलए दायित्व वहन कियो है, मैं नहीं समझू कि है और ना चीज पा लोगारी जगह पूर्व में रहा है प्रजन प्रतिनिधि पारी कोई बराबरी कर सकेला मारे में इतनी क्षमता नहीं है, पर मैं तन और मन भारी पूरी ताकत रे हाथे में कोशिश की कि जनसेवा करो। आदरणीय पूनम चंद जी साहब जब 1980 में चुनी थी तो चुनी जाने के बाद में इन जगह लाइट को एक ही बल्ब नहीं हो, चौधरी साहब अट लाइट ले रहा उनको काम करियो और बाद में सेकेंडरी स्कूल बनाई जंबा ढाणी में और अनेक काम किया। और बाद में रामदान जी साहब अट आया, रामदान जी साहब पूरे जंबा क्षेत्र में वो धाम है और वो धाम भव्य होना चाहिए, इन 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 गांव रो अच्छो विकास होना चाहिए, अपनो सारा दायित्व है। मैं सारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करूं, मैं सिर्फ धाम री बात करूं, पूरे जंबा गांव में सड़क रो जाल बिछायो और चौधरी राम सिंह जी जल्दा है मंत्री आरट पता रहा जब बढ़ाने में कार्यक्रम हो उन टाइम सरपंच रो दायित्व स्वामी बालकृष्ण जी ने करने हो और बालकृष्ण जी उन टाइम सरपंच रो दायित्व और वे मांग करी कि सीनियर सेकेंडरी कराओ, तो मैं माने कहो मैं भी मास्टर हो पर थोड़ा गुण हाला ही तो हुई कर तो उन टाइम भी हाँ हितलो को बैठे हुए जन जन माने कहो कि भाई के तो मान दी बात बाहर निकली मेरे रामनाथ जी मटी बात तू कह कर नित्य अलग के तो मान जी हालांकि मारी बात कौन टाले राम सिंह जी पर मैं एक बात करी और रामनाथ जी साथ सीनियर सेकेंडरी कराई इन्हीं तरह अठारो भागीरथ नहीं कहा तो आपनी कमी है। राम सिंह जी साहब कितो बड़ो इस या पानी री कितो पी भी पड़ता और किन तरह बड़ो टंकी बना रही तरह अठाऊ ही सप्लाई कर रो एक बहुत बड़ो हेड बनाए दिनो मैं नमन करूं मैं जठे कट भी आप अपना सैन बैठा बठे काम करियो पूरे हिंदुस्तान में काम करियो पर विशेष कर जम्बारे में काम करियो और इन्हीं तरह मैं भी छोटो मोटो काम करने की कोशिश करी। दो चार बात मैं बता दूं कि लाल ने कार्यकाल में 50 लाख रुपया लगा इनो जो आप तालाब है इनमें कोई मुख्यमंत्री जल स्वामी तहत काम करने का प्रयास किया। इन्हीं तरह गौरव पथ जो सीमेंटेड आपने देख दिखा भाई 80 लाख री लागत वो आपने करो ताकि इन कांदर जमीन में हम बैठे नहीं। तीसरो आपने बाजार में सिंगल रोड ही डबल रोड करा दें ताकि बाजार अच्छा सुंदर लगे। इन्हीं तरह जांबाऊ पड़ियाल इन कार्यकाल में जांबाऊ पड़ियाल डोडी हड़क 18 फुट री सड़क है अब की महंगा तो उंगड़का जानू को नहीं पर है भीड़ बोले भी दूर जाऊं दाता ही और भाई राज के अंदर कृष्ण राम जी धन्यवाद है आपने 4-5 किलोमीटर महाराणी एरिए में भी आप लाउंड्री घोषणा लाओ तो 18 फुट री ना कह दो सिंगल तोड़ के लाम दवा तो मैं पहले कह दो नीला 18 फुट लाइयो धन्यवाद है आपका कृष्ण राम जी ने धन्यवाद क्या आप हाथ लावे और अगले नन्हे फाटे उले और जांबा धाम तक है 18 फुटरी सड़क री आज मैं घोषणा करूं प्रधानमंत्री रोड रहते हैं आप हो जाए लेकिन चारों तरफों आप रे अठाऊ आप रे की थोड़ो मैं पुटो थारे पाजो के दू की एरियो थारे उठे पड़े पर मैं उठो आदमी राखी को लो उठो एरियो पड़ी है मैं ओ भाई पली नालो उलड़ो मोड़ है नहीं हरिराम जी ये मोड़ हूँ 3.5 किलोमीटर बाहर सड़क देनी है और आगे उलड़ी सड़क भी यानी कि धोक दौरे हूँ लेर ही 2 मिनट कटे ये एरिया ही दो जम्बे आ जावे एंट्री जुगत भी आप कर लिए है और ओ भी इन इन वित्तीय वर्ष में पूरा हो जावे ला मैं आपने विश्वास दे रहा हूँ कोशिश करा अब आर के होगे भी पानी री दूजी तीजी पीड़ की टकिया दूजी ती सारी बनी तो जल्दी उन मिशन रे तहत बने प्रधानमंत्री जी रो एक महत्वाकांक्षी योजना जी में 50% राज्य सरकार री भागीदारी भी है 50% अपने वो है क्या नाम केंद्र री है तो निश्चित तौर उस हर जगह पानी री व्यवस्था 191 करोड़ री एक बहुत बड़ी योजना बनी है जो जामबेरे में और भी ज्यादा पानी आवे इन री एक योजना बनी है। मैं आपने ज्यादा समय नहीं ले आपने तो आई निवेदन करूं कि ओ मंदिर आबार पूर्ण पूर्ण में है राम मंदिर रो आपा चंदो करियो याद है समर्पण जीरो करियो बे
पर एक निश्चित टाइम दे दी कि इन टाइम में इन टाइम रे बाद आप रे कोई भी तरह की राशि नहीं ली जावेला। मने याद है कट के एक जगह कोई लेवता उठम आयोग में आपको सूचना है कि वहां से जब आपको पैसे ले रहे तुरंत प्रभाव बंद कर यानी हमक आधी रात 12 बजे कट बंद। तो मैं धन्यवाद हूं कि मंदिर निर्माण रे वास्ते इन इन कार्यक्रम रे बाद में कोई भी राशि नहीं ली जावेला। पर ओ आपनो भी दायित्व बने है कि माटी ई मंदिर के मैं आप लोग एक ही भाटो नहीं बला सको तो ओ टाइम है भाई। अब भाई टावर ने पढ़ना वह जिन्हें क्या करेगा ओ बींद राजा वो दूतारो है ना बतावे को बतावे तो हम वो दूतारो था ना बता वहां था हूं देर से जिंदा तो आप बेड़ा है 4 रुपया दे दियो कन्ने की को नहीं आप ही आप कन्ने हाथ नहीं हाल है तो आज देवड़ी बेड़ा है और ईट बेड़ा रे मैं आप रो अगर 2 पैसा नहीं लागी उड़ा वे तो एक कलस रे में लाग रिया है कितनी बड़ी बात है। आप सब लोगों ने बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं मैं ज्यादा टाइम नहीं लूं मैं आज मेरा प्रोटोकॉल गड़बड़ कर दियो भाई प्रोटोकॉल रूपाराम जी गड़बड़ की हो गए भाई कृष्ण राम जी ने पछे बोलने की आदत है और मैंने पहला बोलने की मैं पहला बोल दू तो हूं ले कोई दुआ कर और कृष्ण राम जी ने बीड़ू ही मटकू भरे जी मैंने मेरा बीड़ो खबू भरे बताओ तो आज प्रोटोकॉल आज तो प्रोटोकॉल ध्यान रखना कृष्ण राम जी मेरे सीनियर और मेरे से बाद बोलोगे ये ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत बहुत बहुत सुंदर बहुत ही अति सुंदर आपने पलोदी के विधायक होने के नाते आप सबका और हमारे पूर्वज जो इसका चहुमुखी विकास किया पलोदी का जिन्होंने स्वर्गीय पूनम चंद जी स्वर्गीय रामनारायण जी हमारे बीच में नहीं रही स्वर्गीय राम सिंह जी आपको पता है कि ये भव्य मंदिर हमारे बीच में दो दो मुख्यमंत्री ला करके बहुत बड़ी सभा करके आपके बीच में वो इतना सुंदर भव्य छोड़ के गए हैं हमारे स्वर्गीय माला राम जी साहब और हीरा राम जी साहब कितने तन मन धन से कैसी परिस्थिति में यहाँ चंदा करके करोड़ों रुपए का मंदिर आप लोगों को आज देखे जा रहे हैं और बहुत ही भव्य सुंदर इसका उद्घाटन होगा।